आज का हमारा जो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड इज़ द इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस ऑफ सेल्स। न्यूक्लिक एसिड का मेन काम क्या है? ये इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करने का काम करता है। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर किया था साइंटिस्ट फ्रेडरिक मेसर ने इन 1869। कहाँ से डिस्कवर किया था? तो फ्रॉम पस सेल्स एंड नेम्ड न्यूक्लिन। फ्रेडरिक मिक्सर ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। बाद में साइंटिस्ट अल्टमैन ने इसके एसिडिक नेचर की स्टडी की और 1889 में इसको नाम क्या दिया? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होते क्या है केमिकली? न्यूक्लिक एसिड आर द लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड आर कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट, दैट इज पेंटोज सुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर द लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट होते हैं, पेंटोज सुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। पेंटोज सुगर भी दो तरीके का होता है, डीऑक्सीराइबोस सुगर एंड राइबोस सुगर। अगर हम राइबोस सुगर की स्ट्रक्चर देखें तो ये क्लोज्ड फाइव मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है जो कि बीटा फ्यूरेनोज फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नंबरिंग कर दें हम इसकी, पांच कार्बन CH2OH, 1, 2, 3, 4 and 5, दिस इज राइबोस सुगर। एंड डी ऑक्सी राइबोस सुगर इज द डेरिवेटिव ऑफ राइबोस सुगर। ये भी क्लोज्ड फाइव मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है और बीटा फ्यूरेनोज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डीऑक्सीराइबोस सुगर प्रेजेंट होगा केवल और केवल डीएनए में, राइबोस सुगर पाया जाता है केवल और केवल आरएनए में। और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि डीऑक्सीराइबोस सुगर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। कहाँ पे? एट द सेकेंड कार्बन एटम। नाइट्रोजिनस बेस दो तरीके की स्ट्रक्चर है, प्यूरीन बेस एंड पिरिमिडीन बेस। प्यूरीन बेस दो तरीके के होते हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडीन बेस तीन तरीके के हैं, कौन कौन? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिन। प्यूरीन रिंग के अंदर दो तरीके की रिंग पाई जाती है। पहला नंबरिंग कर दें हम, 2, 3, 4, 5, 6, इसको कहते हैं हम पिरिमिडीन रिंग। और इसके साथ जोड़ दें हम इमिडाज़ोल रिंग। और ये मिलके हमारा बनाता है प्यूरीन रिंग सिस्टम। तो प्यूरीन बेसिस क्या होगा? प्यूरीन बेसिस आर द डाइसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर विथ नाइट्रोजन प्रेजेंट एट फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ एंड नाइन्थ पोजीशन। प्यूरीन रिंग में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? पहले, तीसरे, सातवें और नौवें पोजीशन में। पिरिमिडीन बेसिस इनकी स्ट्रक्चर मोनोसाइक्लिक है। नंबरिंग यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज कॉल्ड पिरिमिडीन रिंग। पिरिमिडीन रिंग में
नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। पिरिमिडिन बेसेस तीन तरीके के, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। प्यूरिन बेसेस दो तरीके के, एडिनिन और गुआनिन। अब हम इन पांचों की स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन हमारा ये फास्फोरिक एसिड H3PO4 क्या स्ट्रक्चर होती है, तो ये हमारे तीन कंपोनेंट हो गए न्यूक्लियोटाइड के, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम एडिनिन, गवानिन और इन तीन बेसिस की स्ट्रक्चर देखेंगे। प्यूरिन डाइसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है विथ नाइट्रोजन प्रेजेंट एट 1, 3, 7 एंड 9th पोजीशन। देखिए ये आपका प्यूरिन रिंग सिस्टम हो गया, इसमें छठवें पोजीशन पे हम NH2 जोड़ देते हैं, नाम क्या हो जाएगा इसका, 6-अमीनो प्यूरिन। दिस इज कॉल्ड एडिनिन और इसको हम दिखाते हैं ए से। ठीक इसी तरह से छठवें पोजीशन पे हम कीटो ग्रुप जोड़ दें और दूसरे पे NH2 लगा दें, नाम क्या हो जाता है इसका, 2-अमीनो 6-ऑक्सो प्यूरिन। दिस इज कॉल्ड गुआनिन और इसको दिखाते हैं हम जी से। दूसरा हमारा जो बेस है दैट इज पिरिमिडिन, पिरिमिडिन बेस, दिस इज मोनोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर विथ नाइट्रोजन प्रेजेंट एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। कितने तरीके के हैं, तीन तरीके के, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। तीन हम बेसिक स्ट्रक्चर बना लें, देखिए नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या नाम हो जाएगा इसका, 4-अमीनो 2-ऑक्सो पिरिमिडिन जिसको हम कहते हैं साइटोसिन। फोर अमीनो टू ऑक्सो पिरिमिडिन क्या नाम दिया गया इसका, साइटोसिन। इसको दिखाते हैं हम सी से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या नाम हो जाएगा इसका, 2, 4-डाइऑक्सो पिरिमिडिन दिस इज यूरेसिल और इसको दिखाते हैं किससे, यू से। यूरेसिल में ही पांचवें पोजीशन पे अगर हम मेथिल ग्रुप जोड़ दें तो इसका नाम क्या हो जाता है, 5-methyl-2,4-dioxo-pyrimidine दैट इज कॉल्ड थायमिन और इसको दिखाते हैं हम टी से। तो ये पांच नाइट्रोजिनस बेसिस की स्ट्रक्चर हो गई, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन,
यूरेसिल एंड थाइमिन। स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। न्यूक्लिक एसिड मेनली दो तरीके के होते हैं, डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हायर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का बेसिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। डीएनए इसके तीन कंपोनेंट, डीऑक्सीराइबोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। आरएनए इसके भी तीन कंपोनेंट, राइबोस सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस सुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और ये न्यूक्लियोसाइड आपस में जुड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड जुड़ेगा H3PO4 के साथ और किसका फॉर्मेशन करेगा? न्यूक्लियोटाइड का। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके किसका फॉर्मेशन करेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक इसी तरीके से आरएनए में राइबोस सुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड जुड़ेगा H3PO4 के साथ, क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड। राइबोस सुगर लगा हुआ है इसलिए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यहाँ डीऑक्सीराइबोस सुगर लगा हुआ है इसलिए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब हम एक एक न्यूक्लियोसाइड और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देखेंगे। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस सुगर। ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। इन डीएनए देयर आर फोर टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, हेंस फोर न्यूक्लियोसाइड्स आर फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सीराइबो सुगर प्लस एडिनिन, डीऑक्सीराइबो सुगर प्लस ग्वानिन, डीऑक्सीराइबो सुगर प्लस साइटोसिन और डीऑक्सीराइबो सुगर प्लस थायमिन। चार तरीके के बेसिस हैं डीएनए में, चार तरीके के न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। जब डीऑक्सीराइबो सुगर एडिनिन के साथ जुड़ेगा तब इसका नाम क्या हो जाता है? डीऑक्सी एडिनोसिन। ग्वानिन के साथ डीऑक्सी ग्वानोसिन। डीऑक्सीराइबो सुगर प्लस साइटोसिन क्या नाम हो जाता है इसका? डीऑक्सी साइटिडिन। थायमिन के साथ डीऑक्सी थायमिडिन। एडिनिन एंड ग्वानिन प्यूरीन बेस है इसलिए इसको हम प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड, और साइटोसिन एंड थायमिन पिरिमिडीन बेस है इसलिए इसको हम पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। सॉरी,
आरएनए में चार तरीके के बेसेस, इसलिए आरएनए में भी चार तरीके के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं जिनको हम राइबो न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। पहला, अब यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस की जगह क्या लेंगे हम, राइबोस शुगर प्लस एडिनिन, राइबोस शुगर प्लस ग्वानिन, राइबोस शुगर प्लस साइटोसिन, राइबोस शुगर प्लस आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट है। राइबोस प्लस एडिनिन क्या बन जाएगा, राइबो एडिनोसिन। राइबोस प्लस ग्वानिन, राइबो ग्वानोसिन। साइटोसिन के साथ मिलके क्या बनाएगा, राइबोसाइटिडिन, एंड यूरेसिल के साथ राइबो यूरिडिन। दीज आर प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड एंड पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड। तो टोटल चार तरीके के न्यूक्लियोसाइड बन गए, चार डीएनए के अंदर और चार आरएनए के अंदर। अब हम इनको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, तो जब भी राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस शुगर जुड़ेगा किसी भी नाइट्रोजनस बेस के साथ तो इसका फर्स्ट कार्बन यूज होता है, और प्यूरीन बेसिस का नाइन्थ नाइट्रोजन, प्यूरीन बेसिस का नौवां नाइट्रोजन बाइंड करेगा किसके साथ, शुगर के पहले कार्बन के साथ, और पिरिमिडीन बेस का पहला नाइट्रोजन बाइंड करेगा पेंटोस शुगर के पहले कार्बन के साथ। कैसे बाइंड करता है आइए देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बनाने के लिए अभी जो पीछे हमने बेसिस और शुगर की स्ट्रक्चर बनवाई है उसको ध्यान से देखिए और याद करिए। जैसे पेंटोस शुगर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बीटा फ्यूरिनोज फॉर्म में। यहां हमने एच लिया, कौन सा शुगर हो गया, डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये देखिए कार्बन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। पेंटोस शुगर हो गया, इसके साथ हमको कोई भी बेस जोड़ना है, क्या नाम है इसका, सिक्स अमीनो प्यूरीन, दैट इज एडिनिन। अब इसका नाइन्थ नाइट्रोजन, अभी पीछे क्या बताया कि शुगर का पहला कार्बन और बेस का नौवां नाइट्रोजन, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, एन, नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, ये बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाम क्या हो जाएगा इसका, डी ऑक्सी एडिनोसिन। ठीक इसी तरीके से हम एक न्यूक्लियोसाइड बना देते हैं राइबोस शुगर के साथ, यहाँ भी ओ एच 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 ओ एच, शुगर का पहला कार्बन ये जुड़ेगा, अब यहाँ पे हम कोई पिरिमिडीन बेस ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, नाम क्या है इसका,
2,4-dioxopyrimidine दैट इज यूरेसिल, HOH यहाँ पे भी वही काम करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया हमने, क्या बॉन्ड बन गया, N बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा सुगर लिया था, राइबोस सुगर, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, राइबो यूरिडीन। इसी तरीके से पीछे अभी जो हमने 8 न्यूक्लियोसाइड लिखे हुए हैं सबका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन। राइबोन्यूक्लियोसाइड में एक हमने बना दिया राइबो यूरिडीन, इसी तरीके से राइबोसाइटिडीन, राइबो एडिनोसिन एंड राइबो ग्वानोसिन। अब जब दो स्ट्रक्चर मिल गए सुगर और बेसेस, इसके साथ हम जोड़ेंगे फास्फोरिक एसिड। जब हम फास्फोरिक एसिड जोड़ते हैं न्यूक्लिक एसिड के साथ तब क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे, न्यूक्लियोसाइड जोड़ दीजिए इसके साथ, फास्फोरिक एसिड क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए में चूंकि 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं इसलिए डीएनए में 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा, जिसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। क्या क्या बनेगा देखिए, डीऑक्सी राइबोस सुगर प्लस एडिनिन प्लस S3PO4, क्या नाम हो जाएगा इसका, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस सुगर प्लस ग्वानिन प्लस S3PO4 क्या बन जाएगा, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। फिर डीऑक्सीराइबोस सुगर प्लस साइटोसिन प्लस S3PO4, डीऑक्सीराइबोस सुगर प्लस थाइमिन प्लस S3PO4 क्या बन जाएगा, डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। और डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड, दिस इज प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। ठीक इसी तरीके से आरएनए के अंदर भी 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस, तो इसके अंदर भी 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या अंतर होगा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड में, यहाँ पे डीऑक्सी राइबो सुगर की जगह हम क्या लेंगे, राइबो सुगर प्लस एडिनिन प्लस S3PO4, राइबोज प्लस ग्वानिन प्लस S3PO4, राइबोज प्लस साइटोसिन प्लस S3PO4, राइबोज प्लस यूरेसिल प्लस S3PO4, 4 तरीके के राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा, राइबो एडिनिलिक एसिड, ग्वानिन के साथ है केवल डीऑक्सी हटाते जाइए, राइबो ग्वानिलिक एसिड, राइबो साइटिडिलिक एसिड। और यहाँ पे डीएनए में थायमिन और आरएनए में थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट है, यूरेसिल, क्या नाम हो जाएगा, राइबो यूरिडिलिक एसिड। दीज आर प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड एंड दीज आर पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड।
अब इसमें से एक एक करके हम न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर जोड़ेंगे। ये आपकी एडिनोसिन की स्ट्रक्चर है, डिऑक्सी राइबो शुगर लिया हमने, मीन्स डिऑक्सी एडिनोसिन। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ हमको जोड़ना है फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बना था? राइबोस शुगर के पहले कार्बन और नाइट्रोजनस बेस में प्यूरीन बेस का नवा नाइट्रोजन आपस में मिलकर के क्या बनाया था? एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ हमको ऐड करना है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड हमेशा जुड़ेगा पेंटोज शुगर के पांचवें कार्बन के साथ, ऐसे लिख सकते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड को। OH OH दिख रहा है आपको, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल आप रिमूव कर दीजिए, क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। नाम क्या हो जाएगा इसका? डी ऑक्सी एडिनिलिक एसिड, नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5। अब किसी भी न्यूक्लियोटाइड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसके तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है? OH, क्या लिखते हैं हम? 3' OH। और पांचवें कार्बन पे क्या लगा हुआ है? फास्फोरिक एसिड, मीन्स 5' P। तो इस न्यूक्लियोटाइड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई क्या? 3' OH to 5' P। डी ऑक्सी एडिनिलिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो शुगर के साथ हमने न्यूक्लियोटाइड बनाया। अब एक न्यूक्लियोटाइड हम ड्रा कर देते हैं किसके साथ? राइबोस शुगर, पहला कार्बन, क्या ले लिया हमने? यूरेसिल H। दूसरे कार्बन पे OH रहेगा, H OH H CH2OH। दिस इज न्यूक्लियोसाइड, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? N बीटा ग्लाइको सिडिक बॉन्ड, एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज यूरेसिल एंड दिस इज राइबोस शुगर। राइबोस शुगर और यूरेसिल मिलके बनाए क्या? न्यूक्लियोसाइड। नाम क्या हो जाएगा? राइबो यूरिडीन। अब इस राइबो यूरिडीन के साथ हम क्या जोड़ दें? फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। कौन सा बॉन्ड बन गया? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या नाम हो जाएगा इसका? दिस इज कॉल्ड राइबो यूरिडिलिक एसिड, राइबो यूरिडिलिक एसिड। ठीक इसी तरीके से आप सभी 8 तरीके के न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई सारे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल हमको आपस में जोड़ते चले जाना है। जैसे ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है, अब इसी के साथ हम जोड़ दें कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, जैसे पहला कार्बन, इसके साथ हमने जोड़ दिया क्या? ग्वानिन। स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं पीछे से, H H CH2 O P डबल बॉन्ड O
OH, दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। हमेशा दूसरा न्यूक्लियोटाइड पहले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन एटम से जुड़ेगा। देखिए OH दिख रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, कौन सा बॉन्ड बन गया, फास्फोएस्टर बॉन्ड। दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। एक और न्यूक्लियोटाइड हम जोड़ दें, ऊपर की तरफ जोड़ दें, ये देखिए कोई दूसरा बेस ले लेते हैं, दैट इज थायमिन जोड़ देंगे हम, H, इसका तीसरा कार्बन एटम, इसका पांचवा, OH दिख रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, कौन सा बॉन्ड बन गया, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ती चली जाती है और किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। यहाँ देखिए कौन सा एंड खाली है, 3' OH एंड दिस इज 5' P। तो ये हो गया आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड।